बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। यहाँ हम अंदर कैसे जाएं, यहाँ पर पानी ही पानी है, हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ और बेटी कैसे आगे बढ़ेगी। खट्टर साहब आप यहाँ पर आके देखो हमारे स्कूल की क्या हालत है, स्कूल में पानी भरा पड़ा है। वैसे ही कोरोना काल में हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और अब भी हम पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ेंगे अगर ऐसे इतना पानी हो रहा। माम करो कर पढ़ाई आड़े कीड़ा कांडा की मैं लड़ गया, कौन जिम्मेवार होगा उसका। सरकार की मैं चिंता को नहीं, सारे रुपया बड़ी हो जाए, ये बड़का है ना पढ़ना है, देश का भविष्य बनना है, इन्हें याद नाश होने ले रहा बड़का का। जो बड़का का भविष्य हो रहा पानी में, मुख्यमंत्री जी वो यहाँ पे स्कूल में आकर देखें कि किस प्रकार बच्चों की स्थिति पढ़ने के लिए बिल्कुल खराब हो चुकी है। घर में गाड़ी है, रोड खाली है, तो पेट्रोल डला के थोड़ा अपना रुख इस तरफ भी मोड़े और देखे कि बच्चे किस प्रकार से यहाँ पे बेहाल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री साहब आप 100 करोड़ के वो चित्ते लेके आए हैं, कुछ 1 करोड़ 1 रुपए हमारे स्कूल पे भी लगा दीजिए, यहाँ की स्थिति बिल्कुल खराब है। हरियाणा सरकार। शिक्षा का मंदिर पानी में डूबा, छात्र व छात्राएं पानी में, ये खबर आ रही है हांसी के समीप गांव सोरखी से। आपको बता दें कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारों तरफ से पानी में डूब गया है। 3 से 4 फुट पानी भर जाने के कारण सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्र बोले हमें चीता नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये रूम पर इस पर कमरा गिर लिया। कर दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं गांव सोरखी में, हांसी के समीप लगता है गांव सोरखी, और ये दिखा रहे हैं आपको गंगा आ चुकी है, गंगा जमुना सरस्वती सभी यहां आ चुकी है। और आगे हम चलते हैं, आगे दिखाने का काम करेंगे आपको, ये गंगा जमुना सरस्वती कहाँ जाकर खत्म हो रही है। और वहाँ बता रहे हैं बहुत बुरा हाल हो चुका है और वहाँ की जो हालात है वो आपको दिखाएंगे। हम पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोरखी, हांसी के पास सोरखी गांव है ये, और इस समय बच्चे बाहर खड़े हैं। सुबह की 8 बज चुकी है और इस समय पानी यहाँ चारों तरफ भर चुका है, बच्चे अंदर नहीं जा रहे हैं। और इन बच्चे क्यों नहीं अंदर जा रहे उसको लेकर बच्चों से बातचीत करेंगे। गुड़िया क्या नाम है? करीना। तो अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ है और वैसे भी यहाँ ये बिल्डिंग बहुत ही कंडम है, और वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग के अंदर पानी भरा हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? घर जाओगे? यस सर, घर पे जाएंगे। क्यों, क्या मामला हो गया भीतर? अंदर पानी बहुत भरा हुआ और बिल्डिंग हमारी कमजोर है, कभी भी गिर सकती है। तो डर लग रहा है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन सर। अर्जुन? हाँ जी अर्जुन जी। अर्जुन हाँ जी। तो अंदर क्यों नहीं जा रहे? अंदर पानी भरा हुआ सर, और बिल्डिंग भी स्कूल भी बहुत कंडम है, बहुत। सभी बच्चे घर जा रहे हैं? सभी जी सर, बिल्कुल सभी बच्चे घर जा रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ने की बिल्कुल स्थिति खराब है सर। बच्चों की स्थिति खराब हो चुकी है, यानी कि बता दें आपको, जो बिल्डिंग में बैठने का स्थान ही नहीं होगा, पानी भर चुका है, गंगा जमुना सरस्वती तीनों यहाँ आ चुकी है, और पानी भर जाने के कारण बच्चे अंदर नहीं जा रहे, स्टाफ भी यहाँ खड़ा है। एक बात आपको बता दें कि इनका कहना है कि स्कूल के अंदर इतना पानी भर चुका है, बैठने की जगह तो दूर, जाने का रास्ता तक नहीं बचा है। आखिर प्रशासन सरकार इस ओर कब सुध लेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित होती जा रही है, और आपको बता दें कोरोना काल था उससे भी काफ़ी बच्चों का असर पड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, उनका स्तर भी नीचे गिर चुका है, पढ़ाई नहीं हो रही। लेकिन इस समय जो हालात है इसमें देख सकते हैं बरसात का पानी अगर ऐसा ही भरा रहा तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कहीं तो आपको कि बच्चे अंदर जाने की बजाय अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो स्कूल के बाहर की स्थिति है, इसमें चारों तरफ पानी नजर आ रहा है और अंदर इतना बुरा हालत है कि 4 से लेकर 5 फुट तक पानी भर चुका है। और कमरों की स्थिति हम दिखाएंगे कि पानी अंदर भी बहुत भर चुका है, कमरों के अंदर भी पानी है, और बच्चे यानी कि
कहें तो ये छात्राएं हैं इनके साफ तौर पर कहना है हमारी जान खतरे में है। बच्चे यानी कि स्कूल के अंदर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कोई ना कोई कमरा ऐसा मिल जाए इनको कि जहाँ बैठ कर पढ़ाई कर लें, लेकिन इस शायद ये कमरा खोलो, इसमें पानी नहीं पाऊंगा, पक्का पानी नहीं पाऊंगा इसमें पानी, सब पानी। और अगर कोई खुलाओ सब पानी है, ये दिखाई दे रहा है सब पानी है, ये दिखा रहे हैं आपको पूरी तरह से अंदर पानी जा रहा है, अंदर पूरी तरह से पानी भर चुका है और ताले लग गए हैं यहाँ, और बच्चे अब घर के ओर जा रहे हैं, तकरीबन बच्चे जा चुके हैं, ये कुछ बच्चे बच्चे थे और ये भी अब इन्होंने देख लिया स्कूल के अंदर कहीं भी जगह नहीं है बैठने की और घर की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं, और सरकार से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का पानी निकलवा जाए स्कूल से, और जो झज्जर हाट में बिल्डिंग हो चुकी है उसको सुधार किया जाए, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पानी ऐसा लग रहा है पानी एक महीना निकलने वाला नहीं है, क्योंकि 3 से 4 फुट से ऊपर पानी भर चुका है, 4-5 फुट पानी इस स्कूल के अंदर भर चुका है, और बच्चों की पढ़ाई है जो प्रभावित हो रही है, और कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर आपको, हर जगह चारों तरफ से पानी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जानवर वगैरह हो सकते हैं, और प्रशासन को इस मामले में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। हाँ जी बोलो जी। सर ऐसा कि इस स्कूल के बारे में पिछले एक साल से एस्टिमेट बन के जा लिया बिल्डिंग के लिए, ना तो वो पैसे आ रहे और ना प्रशासन किसी प्रकार की मदद कर रहा। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, दोनों स्कूलों की हालत है ख़राब। एक तो JGPS है जो लड़कियों का है, वहाँ पर 4 दीवारी का तो पैसा आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की सीएम विंडो लगा रखी है, सीएम विंडो के कोई शिकायत का हल नहीं हुआ, बल्कि जो DEO साहब धनपत राय जी, उन्होंने साफ BO को आदेश दिए थे कि जाके मौका स्थल का निरीक्षण किया जाए। 12 तारीख से वो रिपोर्ट धनपत साहब को मिल, सॉरी इसको अपने BO साहब वीरेंद्र जी को मिल चुकी है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास इस भवन को आके देखने की हिम्मत नहीं है। भाई अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? अब स्टाफ को हम बोले तो स्टाफ को क्या बोले, स्टाफ तो अपने आप को SI महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर गांव के लेवल पर कोशिश कर ले, स्टाफ सुरक्षित नहीं है, बच्चे और स्टाफ। सर अब आप देख लो कैसे सुरक्षित हैं, ये तो बोलने और दिखाने की बात ही नहीं है, साफ दिख रहे हैं। प्लस टू तक का स्कूल है, सैकड़ों बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, प्लस टू तक स्कूल है। एक चीज और जी, जो इन बच्चों के साथ अगर कल कुछ होता है कोई भी हादसा, तो उसका सीधा सीधा जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी, कल वो इस जवाबदेही से पर बच नहीं सकती कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि प्रशासन का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है। यहाँ तक कि हम बोले तो हमारे विधायक साहब तक हमने इस बात को बोल लिया है कि आप आगे मौका देख लो जी क्या चीज़ है। अब ये जो बच्चे जितने भी खड़े हैं सारे भगवान भरोसे हैं, भगवान भरोसे बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या हो सकता है, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जी, और कल वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं पाएगा अगर कोई हादसा होता है तो। गिर भी सकती है, ऊपर से भी पानी आ रहा है, नीचे भी पानी घुसा हुआ है, अगर एक महीना तक यही हालात रहा तो ये बिल्डिंग पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी और बच्चे इसके नीचे भी दब जाएंगे, अगर जबरदस्ती करके पानी उतार के बच्चे बिठाए ना, वो भी एक खतरे का काम है। अब ये हालात हो चुकी है, ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया पानी उतार कर बच्चे यहाँ बिठाने की कोशिश की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है कि बिल्डिंग इस समय डैमेज हो चुकी है। ये कांग्रेस के नेता है तेलू राम जांगड़ा, पिछड़े आयोग में मेंबर रह चुके हैं, लेकिन पानी में आधे डूब चुके हैं, क्यों जी? बिल्कुल, मैं तो आज स्कूल की हालत देखने आया था, सौर के गांव में जो बच्चे और बच्चियों जो यहाँ पढ़ती हैं, एक तरफ तो सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा, और बेटियाँ यहाँ स्कूल में घुसने को भी तैयार नहीं है, कैसे घुसेंगे, यहाँ सांप बिच्छू गोडा को तो ऊपर पानी है, बैठने की जगह नहीं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ये नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगा, 8 चीते 100 करोड़ के ले आए, जंगलों में छोड़ दिए, हिरण खाएंगे वो मानस को भी खा जाएंगे, अरे कम से कम इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए 5-5 करोड़ इन स्कूल में लगा दें तो इन देश का जो भविष्य है इस अंधकार में होता जा रहा है, कोरोना के समय ये बच्चे पढ़ नहीं पाए, अब पढ़ाई का टाइम आया। जानो साहब आपकी आदत खराब हो गई है, चित्ते देश किसान बनेंगे घूमेंगे तो दिखेंगे भी चित्ते हैं। बिल्कुल हमारी आदत खराब है, हमारा भविष्य तो हमारे बच्चे हैं, हमारी शान तो, ये चित्ते हमारा भविष्य नहीं है। चित्ते लेने थे प्रधानमंत्री जी, आपके घर में रख लो इन चित्तों को, आपको पता चल जाएगा चित्तों को रखना है या किसको रखना है। ये बच्चे IAS HCS IAS बनेंगे, सरकार ये चलाएंगे, आप नहीं चलाओगे, ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, ये बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, MBBS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े बड़े एक्शन SDO लगेंगे,
मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ। कभी तो आप रुक के मारते हो झगड़े साहब, पानी नहीं है, पानी नहीं है। जो पानी आ गया तुम पानी निकालने, पानी पीने को दो, पानी में बहाने के लिए नहीं, तिरण के लिए। ये जो मच्छी पालन खोलने का हालत हो गई है ना, सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ लाके मच्छी और छोड़ दें। कम से कम सरकार का दो पैसे का फायदा हो जाएगा, स्कूल का भला हो जाएगा। उस मच्छी बेच के स्कूल की बिल्डिंग बना देना। पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए और स्कूलों में लगाने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। चित्ते खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा है, कांग्रेस के और इसके विधायक खरीदने के पास इनके पास पैसे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है। चित्ते लिया है, चित्ते डर लगे हैं। बिल्कुल, चित्तों से सभी को डर लगे जी। वो किस चीज के, वो पैसा यहाँ पे लगे तो इन बच्चों का भविष्य था। चित्ता किस चीज के लिए, किस चीज के लिए चित्ता, ये उसका कोई लॉजिक तो बता दो जी। भाई चित्ता इस चीज के लिए लाए हैं इन बच्चों, खट्टर का बरना गया भाई, सारी समस्या खट्टर बार लगेगा कि नहीं। चित्ता उसका खट्टर का बरना गया, छोड़ दो फिर देखा गया चित्ता का दूध काटेगा रखेगा उसने क्या करेगा। हाँ जी, माइक में खट्टर का बरना बंदवा दे, देखिए चित्ते खट्टर का बरना का बंदवा दो, कितना मर जाओ खट्टर है जो मेरा बटेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कूल के प्रिंसिपल सत्यपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे कि स्कूल के अंदर पानी भर चुका है, उसको लेकर कहने के उन्होंने प्रशासन को अवगत करवाया या नहीं। सर नमस्कार जी। नमस्कार ललित जी, नमस्कार। सर आपके स्कूल में तो पानी भर चुका है, हमने पूरा निरीक्षण किया है। हाँ जी, सुबह 7 बजे मेरे फोर्थ क्लास का फोन गया था कि स्कूल में पानी भर गया, तो 7:30 बजे मैंने आके देखा तो 3-4 फुट पानी भरा हुआ है। तो इसके बारे में प्रशासन को सूचित किया है? हाँ, प्रशासन को मैंने BO 81st, DO 84, BDPO 81st, SDM सबको मेल करवा दी है और व्हाट्सएप पे फोटो लेकर के मैंने उनको भेज दी गई। तो देखा गया कि बच्चे कुछ पढ़ाई वगैरह प्रभावित हो रही है? हम पढ़ाई तो प्रभावित होगी, अब 29 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षाएँ शुरू होने जा रही हैं, तो परेशानी तो है ही बच्चों को काफ़ी। अच्छा, बिल्डिंग भी कंडम हो रही है? हाँ, बिल्डिंग 8 कमरे मैंने पहले कंडम करवाए थे, उनके ऑक्शन भी हो चुके हैं, वो तुड़वा दिए गए हैं, और ये 7-8 कमरे जो हैं ये भी मतलब खस्ता हालत में मान के चलो, और 14 कमरों का मैंने एस्टीमेट भेजा हुआ है दिसंबर 2021 में, तो अब तक उनके बारे में तो कोई गारंटी आई नहीं मेरे पास। तो कहीं के बच्चों को अब शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और? बच्चे आज कुछ क्लासें मैंने शिफ्ट करी हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सुरखी में, बाकी समस्या ही है, वहाँ भी कमरे नहीं इतने, तो समस्या रहेगी जब तक पानी की निकासी नहीं होगी। ये तो प्रिंसिपल महोदय जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया गया है लेकिन फिलहाल कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है, और बरसात आ रही है लगातार और पानी 3-4 फुट भर चुका है, बच्चे की पढ़ाई वगैरह प्रभावित हो रही है।